सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल अरबाज पठान ब्लॉग्स। और सब कैसे हैं? रियली होप कि सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना गाइस। तो गाइस, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज के वीडियो में मैं क्या दिखाने वाला हूँ। तो हाँ गाइस, जो हमने RC 200 परचेस की थी उसके साथ मेरे को रियर टायर पे एक टायर हंगर आता है वो नहीं मिला था। तो पूना सिटी के अंदर तो मैंने बहुत ढूंढा उसको सारे शोरूम के अंदर, तो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। तो मैंने उसको सातारा में कॉल करके, सातारा के KTM के शोरूम में अपना एक भाई है तो वहां से मैंने कॉल करके उसको ऑर्डर करने के लिए बोला और वो अपना आ चुका है। तो ये चेक करो गाइस, ये रहा अपना टायर हंगर। ये पार्सल कुछ इस तरीके से आया है और गाइस ये चेक करो, इसको कुरियर किसने किया है भाई? रोहित साळुंके भाई, अपना भाई, जिसको पता है उसको पता है, अपना बेस्ट फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच रोहित भाई। तो अभी करते हैं इसको गाइस अनबॉक्सिंग और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो सबसे पहले तो ये रहा फाइबर का मडगार्ड, जो या इसका बार, ये जो फाइबर का मडगार्ड है इसके ऊपर अटैच होता है ऐसे। तो इसके साथ कुछ बोल्ट भी आए हैं, ये चेक करो, दिखा दो आप लोगों को, ये चेक करो गाइस, कुछ बोल्ट्स भी आई है 6mm के और 10 का साइज पाना भी लगता है इसको। तो ये कुछ बोल्ट्स भी आए हैं तो मैं आप लोगों को पूरा लगा के दिखाऊंगा। तो वो लगाने के लिए गाइस मुझे लगेंगे कुछ स्पैनर, तो ये 6mm की एलिंग की लगेंगे मुझे और ये 10 नंबर का साइज पाना बोलते शायद इसको, तो ये लगेगा मुझे। तो अभी करना क्या है, सबसे पहले तो मेरे को इन दोनों चीज़ों को अटैच करना है, तो ये हम लोग यही पे करेंगे और बाकी फिर ये अटैच होने के बाद इसको नीचे जाके बाइक पे खुद ही फिटिंग करेंगे। मैं खुद बिठाने वाला हूँ गाइस, तो आप लोग देखो, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। वैसे तो अच्छी लगने वाली है क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलो भाई इसको करते हैं फटाफट से अटैच। अटैच करने से पहले गाइस सबसे पहले तो इसको अनबॉक्स करते हैं, इसकी पर्ची वगैरह निकाल देते हैं हम लोग, मैंने कैंची ली है निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो इसको निकालेंगे हम लोग, ये अपना बार खुल चुका है, देख सकते हो गाइस इसकी फिटिंग कैसी, मतलब उन्होंने रैप किया है इसको अच्छे तरीके से, यहाँ पे भी कुछ लगाया है ताकि इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह ना आए। ओरिजिनल चीज़ों की यही खासियत होती है गाइस, ये जो पार्ट्स है मैंने देख सकते हैं आप लोग, ये ओरिजिनल है गाइस, ये चेक करो, KTM की ब्रांडिंग है इसके ऊपर, ये रहा KTM का ओरिजिनल लोगो और ये इसका जो बार कोड वगैरह रहता है, प्राइस वगैरह मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखना गाइस और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो ये हमने निकाल दिया, इसको फेंक देते हैं यहाँ पे, निकल जाओ भाई, ये निकल गया, ये चेक करो, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर है गाइस, बहुत ही हेवी है, मतलब साइज के हिसाब से हेवी लग रहा है मुझे। ठीक है, ये निकल गया आपने, अभी इसको अनबॉक्स करते हैं गाइस, इसको खोल देते हैं, ये भी निकल गया, निकल जा तो मैं ये निकल चुका है अपना, देख सकते हो टायर अगर, ये देख रहा हूँ KTM की ब्रांडिंग ओरिजिनल है गाइस ये। तो मैंने इसको आफ्टर मार्केट में भी ढूंढा, पुणे का जो नाना पेट है जो बहुत ही फेमस है वहाँ पे भी जाके देखा, मुझे वहाँ पे भी नहीं मिला तो मैंने इसको ऑर्डर ही कर दिया। तो ये देख सकते हो गाइस, ये कुछ इस तरीके से बैठेगा, ये इसकी फिटिंग शायद ऐसे होगी शायद, आई होप ऐसे, और ये लगेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे, देख रहे हो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैठेगा ऐसे। KTM लिखा हुआ आपको नाम नीचे करना है और ये वाला पोर्शन टायर के ऊपर वाली साइड रहेगा। तो इसके लगाते अभी बोल्ट्स, ये रहे 3 बोल्ट्स, कौन से मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये रहा, ये देख सकते हो आप लोग 3 बोल्ट्स इसके अंदर लगेंगे मडगार्ड के। तो ये रहे वो 3 बोल्ट्स 10 नंबर के, ये देख सकते हो गाइस आप लोग, ये देख रहे हो 10mm का साइज पाना लगता है इसको। तो ये 3 बोल्ट्स यहाँ पे लगा देते हैं अपन। ओ भाई कहाँ गया, तो ये चेक करो गाइस, ये लग चुका है अपने 3 बोल्ट, अभी इसको करते हैं 10 नंबर के साइज पाने से टाइट।
ध्यान रखिए आप, इसको आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है वरना ये यहाँ से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि पूरा वेट फाइबर के ऊपर आ रहा है इसका, देख सकते हो। क्योंकि ये कॉलर वाला बोल्ट है गाइस, देख सकते हो आप लोग, इसको कॉलर है। तो ये हो चुका है टाइट गाइस, और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अभी अपन जाएंगे नीचे अपनी बाइक के पास और इसको कुछ इस तरीके से बिठा रहे हैं। ये देख सकते हो ये वाला जो खाँच है वो नीचे करना है ऐसे। ये मेरे ख्याल से बड़े वाले बोल्ट्स यहाँ लगेंगे ऐसे, ये दो, और ये जो दो है 6 mm वाले, ये भी 6 mm के ही है गाइस। ये देख सकते हो आप लोग, ये 6 mm का एलिंग बैठेगा इसको और यहाँ पे, और ये जो दो स्क्रू है वो यहाँ पे ऐसे, देख सकते हो आप लोग ये कैसा लग रहा है अभी। सो अभी चलते हैं गाइस अपनी बाइक के पास और इसको करते हैं बाइक के ऊपर फिट गाइस। चलो मिलते हैं आपको सीधा बाइक के पास। ये अपनी बाइक और बाइक की हालत चेक करो गाइस आप लोग, कितनी गंदी हो रखी है इस वजह से, मतलब ये नहीं है, इस वजह से बाइक की हालत ऐसी होके रखी है। और अपने पीछे डॉल भी चालू है गाइस, गणपति का सीज़न है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको सिनेमैटिक में वीडियो को कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं गाइस। तो गाइस ये देख सकते हो हम लोगों का टायर अगर लग चुका है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ये चेक करो यहाँ क्या हालत चेक करो गाइस, और ये चेक करो ये पूरा नया दिख रहा है और ये पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। तो चलो अभी आप लोग मिलते हैं वापस घर में। तो देखा गाइस आप लोगों ने, हम लोगों ने कितने इजी टू वे में इसको बिठाया। सो बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग वीडियो कैसी लगी, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो मिलते हैं गाइस अगले अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय और टेक केयर गाइस।